बोला जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं एक पार्टी अपनी रेड़ी लेके निकलती है, एमएलए ले लो एमएलए, एमएलए ले लो एमएलए। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। इस बार चलेगी झाड़ू, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब इनका खेल खत्म, अब एमएलए बेचने और खरीदने का काम खत्म, अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। जो जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। बाजार बना दिया इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को, बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को, बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को, जहां पे खुलेआम एमएलए बिकते हैं, खुलेआम एमएलए खरीदे जाते हैं। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो, अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे, एक मौका दे के देख लो। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में यहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, और जैसा भगवंत मान साहब ने कहा कि आज तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन जब रैली होगी तो सोच सकते हैं कि कितने लोग आएंगे पूरे मध्य प्रदेश से। कहते हैं आज हर मध्य प्रदेश का नागरिक, हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। बोला जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं एक पार्टी अपनी रेड़ी लेके निकलती है, एमएलए ले लो एमएलए, एमएलए ले लो एमएलए। एक एमएलए के इतने 10 पे डिस्काउंट मिलेगा, पूरी सरकार गिरानी है तो इतने, और एक पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। बाजार बना दिया इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को, बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को, बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को, जहां पे खुलेआम एमएलए बिकते हैं, खुलेआम एमएलए खरीदे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। पिछली बार भी हटा दिया था लेकिन बस नहीं चलता, इसको वोट दो या इसको वोट दो सरकार तो बीजेपी की बनेगी। एक बेचारा मध्य प्रदेश वाला कहां जाए, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक वोटर, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक आदमी। कैसे बदले इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा लोगों को, चाहे कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, सरकार तो मामा की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। इस बार चलेगी झाड़ू, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब इनका खेल खत्म, अब एमएलए बेचने और खरीदने का काम खत्म, अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। जो जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है। आजादी के बाद से लेके आज तक 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया।
आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था, मौका तो बहुत दिया था, 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते, नहीं 20 साल बहुत होते हैं कुछ करना चाहते तो कर देते बीजेपी वाले, बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी ये बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके लूटा। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था, एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो, अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे, एक मौका दे के देख लो। एक मनीष सिसोदिया है भाई साहब, 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है देश के अंदर, पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया, उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5-स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की, 99.7% नतीजे आए हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर वकील बन रहे हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है, वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तू। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना, अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा? कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश, इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा, पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना? इसलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। जनता देख रही है कि ये अकेली पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है, ये अकेली पार्टी है जो ईमानदारी के लिए लड़ रही है दोस्तों,
यहां जितने कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सरकार जरूर बनेगी, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार जरूर बनेगी, झाड़ू से जरूर सफाई होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे मेहनत? एक एक घर में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी।